हाँ बच्चों, यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है। कल तक की क्लास में, जैसे पहले वाली क्लास में, हमने विमाएं या विमीय समीकरणों को देखा था, ठीक है, जिसमें पांच भौतिक राशियों के मूल मात्रक और विमीय समीकरण में ज्ञात करवा चुका था। आज उसी में आगे करेंगे, यानी कि पांच भौतिक राशियों के बाद आगे चलते हैं तो जितनी भौतिक राशियों का जो हो सकते उतने का कर पाएंगे। छठवें नंबर पर आती है तो छठवें नंबर की भौतिक राशि लेते हैं, वह भौतिक राशि ले लेते हैं हम बेटा घनत्व। क्या ले लेते हैं? घनत्व। तो छठवें नंबर पे कौन सी भौतिक राशि ले लें? घनत्व। और घनत्व का जो सूत्र पढ़ के आते हैं हम, घनत्व बराबर क्या होता है बेटा? द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान और बटे में क्या आता है? आयतन, है ना। तो मैंने आपको जब विमीय समीकरण निकलवाने का तरीका बताया तो सीधा सा तरीका बताया, डायरेक्ट आप पहले मूल मात्रक ज्ञात कर लो। मूल मात्रक ज्ञात हो जाएंगे एक एक करके, उसके बाद में अपन इनका सबका क्या निकाल सकते हैं? विमीय समीकरण निकाल सकते हैं, कि मूल मात्रकों की घातों को ही तो विमीय समीकरण के रूप में लिखना है। एक बात पहले और बता दूं, जो बच्चे ये वीडियो पहले देख रहे हैं, आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, वो सभी इस वीडियो से पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर मैंने प्रारंभ में ही यह बताया कि विमाएं क्या होती हैं और विमीय समीकरण क्या होते हैं। ठीक बेटा, तो सबसे पहले घनत्व दे दिया, द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसका मूल मात्रक लिख दें, क्योंकि जो द्रव्यमान का और आयतन का मात्रक हम जानते हैं वो डायरेक्ट ही कौन सा मात्रक होता है? मूल मात्रक। तो इसका मूल मात्रक लिखें, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और आयतन का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है बेटा? किलोग्राम। और आयतन का मूल मात्रक क्या है? मीटर क्यूब। तो इसका मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब मीटर को अगर ऊपर ले जाऊं तो घात नीचे तो प्लस में है, ऊपर जाकर के घात किस में हो जाएगी? ये माइनस में। तो किलोग्राम मीटर की घात माइनस के 3। ठीक बेटा, अब यहां से मूल मात्रक आ गया, विमा लिखनी है। तो विमा क्या होती है? मूल मात्रकों की जितनी घातें होती हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करती है। तो किलोग्राम, किलोग्राम को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास। मास के लिए इसकी विमा को किससे लिख देते हैं? एम से। मीटर, मीटर को क्या बोलते हैं? लंबाई। लंबाई को क्या बोलते हैं? लेंथ। और लेंथ के कारण इसकी विमा को किससे लिख देते हैं? एल से। तो देखो, किलोग्राम की घात कितनी आ रही है? एक। तो इसकी घात एक ही रहेगी। लंबाई की घात अंश में ले जाने पर कितनी हो गई? माइनस 3। तो इसकी घात क्या हो गई? माइनस 3। मुझे विमीय सूत्र लिखना है। क्या लिखना है बेटा? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र मैंने बताया था, कम से कम तीन भौतिक राशि होनी चाहिए, द्रव्यमान, लंबाई और समय, और तीनों की विमाओं के रूप में लिख दे तो उसे क्या कहते हैं? विमीय सूत्र। और बड़े कोष्टक में बंद कर दिया जाए तो एम एल टी तीन रूप लिए। एम की घात एक आ रही है, एल की घात क्या आ रही है? माइनस के 3। टी यहां पर आ नहीं रहा है तो उसकी घात को क्या लिख दिया जाएगा? 0। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये किसका मान आ गया? घनत्व का मूल मात्रक, विमा और विमीय सूत्र। आगे आ रहा है अपने पास सातवें नंबर पे, छह में आपको छह राशियों की, मूल राशियों के या भौतिक राशियों के विमीय समीकरण आपको निकलवा चुका था। सातवें पे ले लेते हैं बेटा रेखीय संवेग। क्या ले लेते हैं? रेखीय संवेग। अब देखो, एक बात और कहूं, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होंगी जिनके नाम आज हम पहली बार सुनेंगे, कुछ भौतिक राशि ऐसी होंगी जिनका नाम ही पहली बार सुनेंगे, है ना। तो उन भौतिक राशियों को हम कक्षा 11वीं में या कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे। तो आप कभी ये मत सोचना गुरुजी ये कौन सी नई राशि आ गई, तो ऐसा तो कोई विकल्प है नहीं, आएंगे पढ़ेंगे उन चीजों को हम कक्षा 11वीं या 12वीं में। हम यहां पर डायरेक्ट उसका सूत्र लिखेंगे। तो रेखीय संवेग या संवेग, इसका मान होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर। किसके बराबर होता है बेटा? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर। तो रेखीय संवेग बराबर क्या हो गया अपने पास? द्रव्यमान, और गुणा में क्या आ गया? वेग। अब देखो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, मूल मात्रक आता है। वेग का मात्रक क्या जानते हैं हम? मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भी मूल मात्रक है ना, तो मूल मात्रक को ग्रुप में लिख दें। तो इसका सबसे पहले कौन सा मात्रक निकाल देते हैं? मूल मात्रक।
तो मूल मात्रक द्रव्यमान का क्या हो गया किलोग्राम और वेग का क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब देखो क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम की जगह किलोग्राम, मीटर की जगह पर मीटर, सेकंड को ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि मुझे मूल मात्रकों की घाते लिखनी है। कौन से रूप में लिखनी है, वो अंश में होने चाहिए तब लिखनी है, तो अंश में ले जाऊंगा तो नीचे से घात ऊपर जाने पर क्या हो गई माइनस में बदल जाएगी। अगर नीचे हर में किसी भी भौतिक राशि की या किसी भी चर की या किसी भी पद की घात माइनस में होती है और हम उस पद को चर को या भौतिक राशि को अंश से हर में ले जाते हैं तो घात किस में बन जाती है माइनस की प्लस में और प्लस की माइनस में। ठीक बेटा, तो ये इसका मात्रक आ गया। अब विमीय सूत्र पहले विमा लिखें, क्या लिखें विमा। अब इनका जो बेटा विमा या विमीय सूत्र अब समान आएगा तो मैं एक साथ लिख रहा हूं विमा या विमीय सूत्र। देखो एम एल टी तीनों भौतिक राशियां आगे बड़े कोष्टक बंद कर दिया, विमा को बड़े कोष्टक बंद मत करो वो विमा होगी और बड़े कोष्टक बंद करते क्या बन जाएगा वो विमीय सूत्र या विमीय समीकरण। ठीक है, तो द्रव्यमान का मान कितना आ रहा है एक घात, लंबाई मीटर की घात कितनी आ रही है एक, समय की घात कितनी आ गई माइनस एक। ठीक है, अब अगर मैं यहां से इस बड़े कोष्टक को हटा देता हूं तो ये तो क्या बन गई इसकी विमा बन गई है ना, और यहीं पर जैसे इस बड़े कोष्टक को लगाऊंगा बड़े कोष्टक को लगाते क्या हो जाती है विमीय सूत्र या विमीय समीकरण। फिर से कह रहा हूं विमा तो डायरेक्ट मूल मात्रकों को घातों के रूप में लिख दो तो वो तो क्या बन जाएगी विमा, लेकिन अगर कम से कम तीन भौतिक राशियां कौन कौन सी द्रव्यमान लंबाई और समय के साथ उसके मूल मात्रकों की घातों के रूप में लिखा जाए और बड़े कोष्टक में बंद किया जाए तो वो क्या कहलाता है विमीय सूत्र या विमीय समीकरण। ठीक बेटा, तो ये हमने निकाल दिया सातवें पद का। आठवीं भौतिक राशि लेते हैं, आठवीं जो अपने किताब में दे रखी है वह है बल। क्या होता है बेटा बल, और बल का सूत्र हम कक्षा नवी में पढ़ लेते हैं गति के द्वितीय नियम में, एफ बराबर क्या होता है एम ए, एम क्या होता है यहाँ पे द्रव्यमान और ए क्या होता है यहाँ पे त्वरण, तो बल बराबर क्या हो गया बेटा द्रव्यमान और गुणा में क्या आ गया यहाँ पे त्वरण, तो बल बराबर क्या हो गया द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान भी मूल मात्रक में और त्वरण भी कौन से मात्रक में प्राप्त किया जाता है मूल मात्रक के रूप में, है ना, तो दोनों को लिखें तो यहाँ पर डायरेक्ट ही मूल मात्रक निकाल देता हूं। कौन सा मात्रक निकाल देते हैं मूल मात्रक, तो द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या हो गया किलोग्राम और त्वरण का मूल मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक बेटा, अब इसको अंश में लिख देते हैं सभी को, तो किलोग्राम का तो किलोग्राम हो गया, मीटर का मीटर हो गया, सेकेंड नीचे आ रहा है ना बटे में, ऊपर जाकर के घात किस में बन जाएगी इसकी नीचे प्लस में है तो ऊपर जाकर के किस में हो जाएगी माइनस में, तो सेकंड की घात माइनस की क्या हो गई दो, हो गई नहीं हो गई। तो इसका विमा या विमीय सूत्र लिख दें, विमा या विमीय सूत्र क्या बन जाएगा देखो बेटा एम एल टी द्रव्यमान की घात एक आ रही है, लंबाई की घात कितनी आ रही है एक आ रही है, समय सेकंड सेकंड घात क्या आ रही है माइनस दो, तो इसको क्या लिख देंगे माइनस के दो। ये तो क्या हो गई बल्कि विमा, मुझे विमीय सूत्र के रूप में लिखना है तो कौन से कोष्टक में बंद कर देता हूं बड़े कोष्टक में, कौन से कोष्टक में बंद कर देते हैं इसको बड़े कोष्टक में। ठीक बेटा, तो यह अपने पास क्या आ गया, ये मान आया अपने पास किसका मान आ गया बेटा ये विमाओं का, यहां तक की। आगे अपन नौ नंबर पर ले लेते हैं, कौन से नंबर पे ले लें नौ नंबर पे। ठीक है, नौ नंबर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आवेग। तुमने कराया क्या ना, ऊपर का कैसे गया इसमें आपके क्या हुआ सब कुछ ना, अपने आप सरक रहा है, अपने आप सरक रहा है, ऊपर था ऊपर तक लिया था ना, तो कर दे सेट कर। आवेग आगे कौन सा ले लिया जाएगा बेटा आवेग। ठीक है, आवेग होता है इसी लाइन तक है नीचे उधर लेना है। ठीक है, आवेग हो गया। आवेग क्या होता है, आवेग होता है एक निश्चित समय अंतराल में या निश्चित समय पर लगाए गए बल का मान। फिर से कह रहा हूं कुछ भौतिक राशियां ऐसी हो सकती हैं जिनका नाम आपने अभी तक नहीं सुना हो, कुछ भौतिक राशियां ऐसी हो सकती हैं जिनका नाम आपने अभी तक नहीं सुना हो, तो उन भौतिक राशियों के लिए आपको क्या करना है। अभी मैं जैसे लगभग लगभग भौतिक राशियों के सूत्र तो बता ही रहा हूं, साथ साथ वो होता क्या है उसकी परिभाषा ही बता रहा हूं। ठीक है, फिर भी आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है, सूत्र से केवल विमा को देखना है विमा कैसे निकलेगी। तो आवेग, आवेग क्या होता है बेटा,
एक निश्चित समय अंतराल में लगाए गए बल के मान को, या निश्चित समय अंतराल तक किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो बल और समय का गुणनफल, बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग, है ना। तो बल और समय का गुणनफल आवेग है, तो आवेग क्या हो गया अपने पास? बल, और गुणा में क्या हो जाएगा? समय। आवेग बराबर क्या हो गया? बल, और गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे? समय। ठीक बेटा, तो बल और गुणा में क्या कर दिया हमने? समय। और बल और समय का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा? आवेग के बराबर। बल और समय का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा? आवेग के बराबर, है ना। आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो बल और समय का गुणनफल आवेग के बराबर है, तो अब देखो क्या करना है। देखो सबसे पहले मूल मात्रक निकालें। अब समस्या आ गई, पहली बार क्या हुआ कि बल का मूल मात्रक नहीं होता, बल का मूल मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो बल का मूल मात्रक नहीं होता, क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो बल को तोड़ना पड़ेगा पहले, तो बल को तोड़ो, तो आवेग का क्या मान आ जाएगा? देखो आवेग बराबर बल, बल को तोड़ दिया, किसके रूप में तोड़ दिया अपन ने? द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल को क्या लिख दिया? द्रव्यमान गुणा त्वरण। समय मूल राशि है, डायरेक्ट लिख दो, और गुणा में क्या लिख दिया अपन ने? समय, है ना। तो अब यहां पर सभी मूल मात्रक आगे नहीं आगे, तो सभी के मूल मात्रक लिख दो। तो मूल मात्रक द्रव्यमान का क्या हो गया? किलोग्राम। त्वरण का क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और समय का क्या हो गया? सेकंड। तो देखो क्या हुआ, एक सेकंड से एक सेकंड कट गया, एक सेकंड से एक सेकंड क्या हो गया? कट गया। और कट गया तो देखो क्या प्राप्त हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या प्राप्त हो गया बेटा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ गया, तो इसको अंश के रूप में लिख दें, किलोग्राम की जगह पे किलोग्राम, मीटर की जगह पे मीटर, और सेकंड की घात को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगी? माइनस की एक। लेकिन आगे बेटा ये तो क्या आ गया? इसका मूल मात्रक आ गया। क्या आ गया? मूल मात्रक। मूल मात्रक के बाद हमें क्या लेना है? इसकी बीमा निकालनी है, बीमे समीकरण लेना। तो लिख देता हूं बीमा एवं बीमीय सूत्र। बीमा क्या रहेगी? एम एल टी। बीमा क्या रहेगी? एम एल टी। एम, एम की घात कितनी है यहाँ पे? एक। एल, एल की घात कितनी है? एक। और टी, टी की घात कितनी है? माइनस एक। ये तो क्या बन गया इसकी? बीमा। ठीक है, बीमीय सूत्र लिखना चाहूं तो कौन से कोष्टक में बंद कर दूंगा? बड़े कोष्टक में। कौन से कोष्टक बंद कर दिया जाएगा? बड़े कोष्टक में। ठीक है बेटा, तो यह अपने पास आवेग का, ये किसका मान आ गया? आवेग का मूल मात्रक एवं बीमा। ठीक है, नौ हो गई। दसवीं भौतिक राशि ले लेते हैं इसके आगे, जो अपने बुक में दे रखी है। दसवीं भौतिक राशि दे रखी है बेटा दाब। दसवीं भौतिक राशि क्या दे रखी है? दाब। और दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ये तो सुन रखा होगा, दाब क्या होता है? इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल का मान। दाब क्या होता है बेटा? इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल का मान क्या कहलाता है? दाब कहलाता है, है ना। तो अब वापस से क्षेत्रफल का मूल मात्रक ही होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर को कौन सा मात्रक लेके चलते हैं हम? मूल मात्रक, है ना। लेकिन बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो बल एक मूल मात्रक के रूप में प्राप्त नहीं होगा, है ना। और जब बल मूल मात्रक के रूप में प्राप्त नहीं होगा तो बल को तोड़ो। बल को क्या तोड़ देंगे? द्रव्यमान गुणा में क्या आ जाएगा? त्वरण। और बटे में क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो क्या हो गया? द्रव्यमान गुणा त्वरण बटे क्षेत्रफल। क्या हो गया? द्रव्यमान गुणा त्वरण बटे क्षेत्रफल। तो अब सभी राशियों के मूल मात्रक हो गए, तो यहाँ पे लिख देता हूं मूल मात्रक। कौन सा मात्रक निकाल देते हैं? मूल मात्रक। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम। त्वरण का मूल मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बटे में क्षेत्रफल का मूल मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। अब देखो चक्कर हो गया, अभी तक के सब ये सबसे नया बन गया है। यहाँ पर मीटर एक ऊपर और एक मीटर नीचे, एक मीटर कट गया। क्या हो गया? एक मीटर कट गया। तो अब देखो जो मूल मात्रक क्या आ रहा है? किलोग्राम। अंश में किलोग्राम के अलावा कुछ भी नहीं है, है ना। प्रति मीटर सेकंड का स्क्वायर। किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड का स्क्वायर, है ना। तो अब इसको सभी राशियों को या सभी मात्रकों को हर अंश में लिख दें, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम की जगह पर किलोग्राम, मीटर को ऊपर ले जाऊंगा तो घात किसकी हो जाएगी? माइनस की एक।
और सेकंड को ऊपर ले जाऊंगा तो घात किसकी हो जाएगी, माइनस की दो, है कि नहीं। यही मात्रा किस प्रकार से लिखा है मैंने। अब इसको किस में लिख देते हैं, बिमा विमीय समीकरण के रूप में, तो लिख दिया मैंने बिमा एवं विमीय और सूत्र। बिमा एवं विमीय सूत्र क्या आएगा, वही एम एल टी, क्या रहेगा एम एल टी। एम का मान कितना है एक, एल का क्या हो जाएगा माइनस एक, और टी का क्या हो जाएगा माइनस के दो। एम का क्या हो गया एक घात है, एल की माइनस एक घात है, और टी की माइनस के दो घात है। तो इस प्रकार से हमने पांच एग्जाम्पल तो कल किए और पांच एग्जाम्पल हो गए ये, तो कुल मिला के अभी तक कितने एग्जाम्पल्स हो गए हैं, 10 एग्जाम्पल। अभी इसी वीडियो में आगे रखते हुए हम पांच एग्जाम्पल और करने वाले हैं। कितने एग्जाम्पल और करने वाले बेटा, पांच एग्जाम्पल और करने वाले हैं। तो मैं अभी पहले बोर्ड को साफ कर लेता हूं। हाँ बेटा, बोर्ड को साफ कर लिया है। अब अगले पॉइंट से पहले मैं एक ही बात बताऊं, जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने जितने भी मित्र हैं, अपने सहपाठी हैं, उन सबको बताएं, क्योंकि मैं जो भी ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ा रहा हूं वो सारे टॉपिक्स अपने बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं, है ना। और केवल ये नहीं कि हम मैथ साइंस या बायोलॉजी साइंस लेके फिजिक्स पढ़ेंगे तो ही काम में आएंगे, वो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो सभी में काम में आने वाले हैं, ठीक बेटा। 10 मैं आपको करा चुका हूं, अब मेरा नंबर आता है 11। कौन से नंबर का आता है बेटा, 11, ठीक है। और 11 नंबर पर जो मैं भौतिक राशि ले रहा हूं वह है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। कौन सी भौतिक राशि बेटा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जो हम गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर कक्षा 9 में पढ़ते हैं वह है बेटा ये, ठीक है। इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, और जी का जो फॉर्मूला आता है जी, वो क्या आता है एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। थोड़ा सा इधर समझा देता हूं, आपने पढ़ा होगा कि दो m1 और m2 द्रव्यमान की वस्तुएं, कितने द्रव्यमान की वस्तुएं, m1 और m2 द्रव्यमान की वस्तुएं, इनके बिटवीन डिस्टेंस, इनके मध्य की दूरी क्या है r। तो आरोपित बल का मान दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कक्षा 9वीं में आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, है ना। इस समानुपाती को यहाँ पर हटाते हैं किससे, जी से, तो क्या हो गया जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ जो जी होता है इसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, है ना। तो जी का मान निकाले बटे एक लगा के बजोड़ा कर दो, तो जी m1 m2 बराबर क्या आ गया एफ आर स्क्वायर, और जी बराबर क्या हो गया एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। क्या हो गया बेटा, एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2, है ना। तो ये मान हो गया। अब देखो एफ यहाँ पर क्या हो रहा है, बल, आर क्या हो रहा है दूरी, और दूरी का क्या हो रहा है स्क्वायर, बटे m1 क्या है द्रव्यमान, और गुणा में m2 क्या है द्रव्यमान, है ना। तो इस प्रकार से हमने सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के सूत्र को लिख लिया है। इसको लिख दिया बेटा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के सूत्र को। अब देखो इसमें बल ऐसी राशि है जिसका मूल मात्रक नहीं पता अपने को, बची हुई सारी राशियां मूल मात्रकों के रूप में पाई गई है, है ना। तो अब अपने पास देखें बल को तोड़ देते हैं, तो बल बराबर क्या हो गया यहाँ पे द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये मैंने बल की जगह पे लिख दिया, किसकी जगह पे लिख दिया इस मान को, बल की जगह पे, बचे सारे मान सेम लिख दो, तो ये क्या हो गया गुणा में ही यहाँ पे दूरी, और दूरी का क्या हो रहा है वर्ग, बटे द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान क्या हो जाएगा द्रव्यमान का स्क्वायर, या फिर अभी द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान लिख दो, द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान। तो देखो एक द्रव्यमान से तो द्रव्यमान कट जाएगा, एक द्रव्यमान से तो द्रव्यमान कट जाएगा, है ना। द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान लिखा तो एक द्रव्यमान से तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे देखो, त्वरण गुणा दूरी का वर्ग बटे में क्या बच गया द्रव्यमान। अब मात्रक लिखो मूल मात्रक के लिए, क्या लिख देते हैं मूल मात्रक निकालना है, तो द्रव्यमान त्वरण का मात्रक क्या हो गया
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना। दूरी का मात्रक क्या हो गया मीटर, दूरी का मात्रक क्या हो गया मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया किलोग्राम। तो देखो ये मात्रक क्या बन गया मीटर का स्क्वायर हो गया ऊपर तो अंश में दो मीटर का स्क्वायर बटे में सेकंड नीचे आ जाएगा, तो प्रति किलोग्राम इंटू में सेकंड का क्या हो गया स्क्वायर। अब इसको लिख देते हैं अंश में ले जाएगा सबको, तो मीटर स्क्वायर या फिर किलोग्राम से मीटर से स्टार्ट कर देते, चलो मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात कितनी हो गई माइनस की एक, और सेकंड की घात कितनी हो गई माइनस दो, है ना। तो है ना बेटा। अब ये आपका लिख दे विमीय सूत्र, विमीय सूत्र लिखें तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा एम एल टी, एम की घात कितनी आ रही है मतलब द्रव्यमान की घात, एम मतलब मास, मास मतलब क्या है द्रव्यमान, घात कितनी कह गई माइनस एक, एल मतलब लंबाई, लंबाई की घात कितनी आ गई दो, और समय की घात कितनी आ रही है माइनस के दो। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मूल मात्रक एवं विमा, तो मूल मात्रक तो क्या आ गया इसका बेटा अपने पास मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, और विमीय सूत्र क्या हो गया इसका अपने पास एम की घात माइनस एक, एल की घात दो, और टी की घात माइनस के दो। ठीक बेटा ये हो गया। इसके बाद अगली भौतिक राशि जो ले रहा हूं वह है कार्य या ऊर्जा। 12 नंबर पे किसको ले रहे हैं आप मन, कार्य या कार्य को ही क्या कह देते हैं ऊर्जा। कार्य बराबर क्या होता है बेटा बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन। तो वापस से बल को तोड़े, बल बराबर क्या हो गया द्रव्यमान गुणा त्वरण, और गुणा में क्या आ जाएगा अपने पास विस्थापन। बल को किस में तोड़ दिया द्रव्यमान गुणा त्वरण में, और इनटू में क्या आ गया विस्थापन। तो सारे मूल मात्रक हो गए नहीं हो गए, तो मूल मात्रक लिख दें, कौन सा मात्रक लिख दें बेटा मूल मात्रक। तो क्या हो गया द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है किलोग्राम, त्वरण का क्या है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का क्या है मीटर, है ना। तो अब इसका मूल मात्रक क्या बन गया देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और अब मैं डायरेक्ट यहीं से विमा लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा विमीय सूत्र क्या बन जाएगा देखो एम एल टी। अब यहां से देखो द्रव्यमान किलोग्राम ऊपर आ रहा है अंश में आ रहा है, तो घात एक है तो एक लिख दिया, मीटर लेंथ लंबाई अंश में आ रही है घात दो है तो क्या लिख दी दो, समय सेकंड कहां रहा है नीचे, कहां रहा है नीचे, घात को ऊपर ले जाएंगे किसकी हो जाएगी ये माइनस की, तो आप डायरेक्ट ही यहां पर कितनी घात लिख दो माइनस के दो। ठीक बेटा तो ये क्या बन गया इसका विमीय सूत्र। 12 राशियां हो गई, अभी मैं 13 भी राशि लिख रहा हूं, कौन सी राशि लिख देते बेटा 13, और 13 होती है शक्ति। ये कुछ सूत्र तो आपने पढ़ रखे होंगे शायद, शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है बेटा कार्य, और बटे में क्या आता है समय, शक्ति बराबर क्या होता है कार्य, और बटे में क्या आता है समय, है ना। कार्य, कार्य को वापस से सूत्र में लिख दें, कार्य का मात्रक तो जूल होता है जो मूल मात्रक नहीं है, और हमें मूल मात्रक के रूप में लिखना है ना। तो कार्य बटे समय हमने यहाँ पे लिखा, और कार्य बटे समय लिख दिया तो कार्य क्या क्या हो गया बल गुणा विस्थापन, और बटे समय का समय रह गया है ना। अब बल को तोड़ दो, बल क्या हो गया द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन, और बटे में क्या हो गया अपने पास समय, द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन, और बटे में क्या हो गया समय। अब ये सारे मूल मात्रक हो गए, यहाँ पे कौन सा मात्रक लिख सकता हूं मैं मूल मात्रक, कौन सा मात्रक लिख सकता हूँ मूल मात्रक, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है किलोग्राम, त्वरण का क्या है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का क्या है मीटर, बटे समय का क्या है सेकंड। तो देखो मूल मात्रक क्या हो गया किलोग्राम मीटर इंटू मीटर क्या हो गया मीटर का स्क्वायर, प्रति सेकंड इंटू में सेकंड का स्क्वायर कितनी है सेकंड की घात तीन। अब डायरेक्ट विमीय सूत्र लिख दो इसका, क्या लिख देते हैं विमीय सूत्र, अब समझ में आ गया होगा एम एल टी, एम की घात कितनी आ रही है एक, एल की घात दो, टी की घात क्या हो जाएगी माइनस के तीन। 13 राशियां हो गई, 14वीं भौतिक राशि जो अपने को दे रखी है वह है बेटा अपने पास पृष्ठ तनाव, क्या है पृष्ठ तनाव, और यह होती है बल बटे लंबाई, पृष्ठ तनाव ये होता है इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को या आरोपित बल के मान को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव क्या हो गया बेटा बल बटे लंबाई, डायरेक्ट बल को तोड़ दो, बल क्या टूट जाएगा
द्रव्यमान गुणा त्वरण और बटे में क्या हो गई लंबाई। सभी राशियों के क्या होते हैं अपने पास मूल मात्रक होते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कौन सा मात्रक लिख देंगे बेटा, मूल मात्रक लिख देंगे। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है किलोग्राम, त्वरण का मूल मात्रक क्या है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लंबाई का मूल मात्रक क्या है मीटर। अब देखो मीटर से मीटर कट गया, क्या हो गया मीटर से मीटर कट गया, तो मूल मात्रक क्या बन गया, इधर दिख लेता हूं मैं, तो मूल मात्रक क्या प्राप्त हुआ अपने पास, ऊपर तो क्या बच गया किलोग्राम और बटे में क्या आ गया प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे एम एल टी के रूप में लिखना पड़ेगा, किसके रूप में लिखना पड़ेगा बेटा एम एल टी के रूप में लिखना पड़ेगा। एम की घात कितनी यहाँ पे एक, लंबाई तो आ ही नहीं रही और जब आ नहीं रही तो घात कितनी हो गई जीरो, जब लंबाई नहीं आ रही है तो घात कितनी हो गई जीरो, और टी की घात ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगी माइनस के दो। आगे चौदह के बाद कौन सा नंबर आएगा पंद्रहवा, चौदह के बाद कौन सा नंबर आएगा पंद्रहवा, है ना। अब पंद्रहवा हम लिख रहे हैं यहाँ पे जो दे रखा है वह है बल नियतांक, क्या है बेटा बल नियतांक, बल नियतांक होता है बेटा बल बटे विस्थापन, इकाई विस्थापन देने पर आरोपित बल के मान को क्या कहते हैं बल नियतांक कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे कक्षा ग्यारहवीं में आगे। तो बल को वापस से तोड़ देंगे तो बल क्या हो जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण बटे विस्थापन, है ना। मूल मात्रक लिख दो सबके हैं, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है बेटा किलोग्राम, त्वरण का क्या है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का क्या है मीटर से मीटर कट गया, तो क्या आ गया किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। तो विमीय सूत्र क्या आ गया, विमीय सूत्र आ गया एम एल की घात जीरो टी की घात माइनस के दो, ठीक बेटा। तो इस प्रकार से मैं 15 भौतिक राशियों के विमा या विमीय सूत्र आपके सामने निकाल चुका हूं। कुछ भौतिक राशियों के विमा या विमीय सूत्र अपने किताब में आगे और दे रखे हैं, उनको आप स्वयं निकालें, और किसी भी विमा या विमीय सूत्र में आपको आपत्ति रहे तो मेरे आपके पास नंबर हैं जो मेरे पर्सनल नंबर हैं, वो पर्सनल नंबर्स पर आप फोन करके कभी भी पूछ सकते हैं कि सर हमें ये वाला विमा या विमीय सूत्र प्राप्त नहीं हो रहा है, ये किस प्रकार से प्राप्त होगा आप हमें इसके बारे में बताएं, तो मैं आपको उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता के भेज दूंगा या फिर निकाल के आपको अलग से भेज दूंगा, ठीक बेटा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर से कह रहा हूँ वो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही है।